दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त मोहित और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बेनिफिट वाला टॉपिक है। तो आशा आप सभी से ये कि दोस्तों रोजाना की तरह पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से दिल से निवेदन है कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मोहित जी चैनल का नाम, उसी के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, बस आपने उसी को दबाना है और अभी हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों उसी की साइड में आपको एक घंटी का सिंबल आ जाएगा, तो उस पर भी क्लिक कर लेना है और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इन दोनों चीज़ें हैं दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई आयरन मनी ऐप से रिलेटेड या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, कोई न्यू इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल लैपटॉप पीसी या अदर डिवाइस पर तुरंत मिल जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएंगे और ऑफर का फायदा भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो मात्र एक या दो मिनट की है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। दोस्तों आज की वीडियो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने मोबाइल में जो भी डेवलपर ऑप्शन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसको हाइड किस प्रकार करना है। दोस्तों जैसे आपका डेवलपर ऑप्शन आपकी सेटिंग में आ जाता है, उसको आप हाइड करना चाहते हैं, वहाँ से मिटा सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रोसेस बताऊँगा। अब वो क्या करना हो दोस्तों, अपनी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। दोस्तों मेरे मोबाइल में अलग से मिल रही है क्योंकि मैं वीवो का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में भी ऐसी सेटिंग मिलेगी दोस्तों, अलग भी मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, एप्लीकेशन में जाना है, आपकी जहाँ पर एप्लीकेशन है उसके बाद दोस्तों आपको आल में जाना है। आल में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है सेटिंग का। दोस्तों जैसे मैं ढूंढ लेता हूँ सेटिंग मिलेगी दोस्तों, सेटिंग के नाम के सिंबल मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मिल गया सेटिंग, दो सेटिंग मिल गया, सेटिंग स्टोरेज, जैसे ये सेटिंग स्टोरेज है, यहाँ से आप इसका यहाँ पर आपको क्लियर डाटा मिलेगा, आपने यहाँ पर ऑप्शन क्लियर डाटा मिलेगा, यहाँ से आप क्लियर डाटा कर सकते हैं। दोस्तों ये पहली सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों जैसे क्लियर डाटा ऑप्शन मिला है आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप अपने मोबाइल में जो भी सेटिंग किया उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जहाँ पर थी उसको वहीं पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हुआ है, मैं अभी आपको ये ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली वहाँ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, तो आपको करना यही है कि दोस्तों एप्लीकेशन में जाना, आल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको सेटिंग को ढूंढना है, सेटिंग कहाँ पर है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप अपने डेवलपर ऑप्शन है उसको आप यहां से हाइड कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से अपने डेवलपर ऑप्शन को यहां से सेटिंग में जाके यहां से क्लियर डाटा पे ओके कर देना दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आपको होम स्क्रीन पे ले, जैसे ओके करेंगे दोस्तों होम स्क्रीन पे ले आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप अपने मोबाइल में जब भी आप कोई वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई यूज करने पर आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है, जिससे आपकी बैटरी बहुत ही कम ही टाइम में आपकी बैटरी को डाउन हो जाती है, आपको बार बार चार्ज लगाना पड़ता है, उसकी मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा दोस्तों, सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको अपना वाईफाई में जाना होगा, वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई को आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो आपका बैक का बटन होता है, बैक के साइड में एक होम की एक बैक की और उसी के साइड में एक रिसेंट ऐप का ऑप्शन होता है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों एडवांस सेटिंग का, आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों एक नीचे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों वाईफाई स्लिप पॉलिसी, आपने वाईफाई स्लिप पॉलिसी पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ऑलवेज ओनली दिस प्लग इन और एक नेवर, आपने नेवर कर देना है। नेवर करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी आप वाईफाई यूज़ करते हैं और आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, कम ही टाइम में आपकी डाउन हो जाती है, इस सेटिंग से आप अपने मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा टाइम तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके दो तीन सेटिंग पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बार में कमेंट कर सकते हैं, आपके रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।